दोस्तों आए तो थे ब्लॉगिंग बनाने, लेकिन आज ब्लॉगिंग ने जान ले ली थी। अभी हम पूरी तरह फंस चुके हैं चौरसन में। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम, बर्फबारी उत्तराखंड में। तो प्लीज़ आप आइए उत्तराखंड की हसीन वादियों में, इन क्षेत्रों में ज़रूर आइए, जैसे बैनीताल हो गया आपका, चौरसन हो गया, इन क्षेत्रों में आप ज़रूर आए। इस बर्फबारी में भी बाइक का आनंद ले रहे हैं और चल रहे हैं हसीन वादियों की तरफ। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं छातुली से कल्याणी, कल्याणी से चौरसन और चौरसन से भटवाली। इन तीनों चारों जगह भरपूर बर्फ पड़ी है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी बर्फबारी, और हम इस बर्फ में भी बाइक में जा रहे हैं, और जो भी बाइक चला रहे वो है अर्जुन भाई। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा था बाइक से और मेरे साथी बच्चे पार्टी। तो बच्चों तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा। तुम्हारा गांव का नाम क्या है? कल्याणी। अच्छा, ये देखिए दोस्तों बच्चों की जिंदगी, ये इसी गांव के हैं और एक दूसरों पर बर्फबारी कर रहे हैं। खेलो 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 सावास। ये ऊपर पूरा बर्फ जमा हुआ है। ये ऊपर माँ फ्राई का मंदिर है और नीचे क्षेत्र आगे बैनीताल दिख रहा है जो ऊपर टॉप में है। खेलो खेलो खेलो। और यहाँ पे बच्चे मुझे ही मार रहे हैं। बाय बच्चों। और एक भाई मेरे पीछे आते हुए बाइक में। आजा भाई आजा, रेस लगा रेस लगा। आओ आओ। और बच्चे आनंद लेते हुए बर्फ का। तो दोस्तों एक बार फिर बर्फबारी स्टार्ट हो गई है और अभी हम चौरसन नहीं पहुंच पाए, करीबन आधा घंटे से हम सफर कर रहे हैं। ठंडा बहुत है और स्टार्टिंग हो रही फिर से बर्फबारी। दोस्तों आए तो थे ब्लॉगिंग बनाने, लेकिन आज ब्लॉगिंग ने जान ले ली थी। अभी हम पूरी तरह फंस चुके हैं चौरसन में और मेरे पीछे देखिए बर्फ, पूरी तरह बाइक फंस चुकी है और दोबारा से बर्फ पड़ना स्टार्ट हो चुका है। ठंड की वजह से मुंह से आवाज़ तक नहीं आ रही है और ये आप देख सकते हैं फिर से बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी फंस चुकी है बुरी तरह और तीन बार नीचे गिर चुके हैं, फिर भी ये लास्ट बचा है छोर। अभी हम चौरसन पहुँच चुके हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बर्फबारी। अब देखते हैं दोस्तों आगे कैसे पहुँचते हैं, आगे का हाल आपको दिखाते हैं। और दोस्तों अभी बर्फ को हटा रहे हैं जिससे बाइक आगे पहुंच सके, थोड़ा बहुत ही रास्ता बन चुका है। ये मर 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 चौरसन पहुंच चुके हैं और आधा घंटा बाद बाइक को धक्का मारते मारते हम यहाँ तक आ गए। अब दिखाते हैं आगे का ब्लॉग आपको। बराबर
तो देखिए दोस्तों किस तरह लोग मेरी बाइक को निकाल रहे हैं, चार पांच जने, और हम लोग करीबन एक घंटा से यात्रा कर रहे हैं चौरसेन आने के लिए। फाइनली अब पहुँचे और आज ब्लॉग बनाते बनाते मर भी जाते। हम दो तीन बार गिरे और एक बार तो ऐसे गिरे कि पूरे खड्डे में गिर गए थे। तो दोस्तों अभी हम जहाँ हैं चौरसेन है और यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आ रखे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तोलिक से, और यहाँ चौरसेन के लोग और दो तीन गाड़ियाँ ऊपर जा चुकी है। यहाँ से ऊपर बहुत बर्फ पड़ी हुई है तो बाइक ऊपर नहीं जा पा रही है, और हम पिछले आधा घंटे से बाइक को धक्का मार मार के यहाँ तक लाए और फाइनली अब पहुँचे हम चौरसेन। और ये पीछे का व्यू देखिए दोस्तों, चारों तरफ बर्फ पड़ी है और लोग बर्फ का आनंद लेते हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे लोग कैसे आनंद लेते हुए बर्फबारी का, एक दूसरे पर बर्फ मारते हुए, और किसी ने कई बर्फ मार दिया अर्जुन भाई, और यहाँ पर बर्फ का आनंद लेते हुए, और किसी महान सही ने मेरे पर बर्फ फेंक दिया, और मेरे साथ जो बाइक पे थे अर्जुन भाई थे, और ये अर्जुन भाई ज्यादा पड़ गया क्या? देखिए दोस्तों, और यहाँ पर चुनाव प्रचार भी चल रहा है, और ये प्यारा सा मौसम चौरसेन, तो आप लोग भी आइए। देखिए दोस्तों ये है चौरसेन, प्यारा सा गांव जो कि बर्फ से पूरी और ढका हुआ है, और आगे जो जंगल है उसमें पूरी बर्फबारी होती है, और चारों ओर देखिए दोस्तों पूरा ही बर्फ ही बर्फ। यहाँ के घर मकान गाड़ी जो भी चीज़ है सारी बर्फ से ढकी हुई है, और बच्चे बर्फ़ का आनंद लेते हुए, बहुत सारे लोग पर्यटक के रूप में यहाँ आते हुए गाड़ी लेके, क्योंकि इस सीज़न की ये तीसरी बर्फबारी है यहाँ। हम जा रहे हैं घर की ओर,